नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिजली की नई दरों के बारे में। बिहार में नए साल में बिजली दरों में बढ़ोतरी किए जा सकते हैं। बता दें कि वितरण प्रणाली के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूर कर लिया है। बता दें कि यह प्रस्ताव इसी साल नवंबर महीने में दिए गए थे, जिसके बाद अब यह तय है कि अगले साल बिजली उपभोक्ताओं को अब ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ है कि बिजली की नई दर में कितना पैसा, यानी कि कितना जो है किराया बढ़ाएगा और उसमें क्या बढ़ोतरी की दर जो होगी। आने वाले कुछ दिनों में इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। बता दें कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों को निर्धारित करने के लिए पटना सहित प्रदेश के 5 शहरों को जन सुनवाई के जरिए आम लोगों से कंपनी के प्रस्ताव पर राय लेने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जनवरी फरवरी में जन सुनवाई पूरी हो जाएगी और मार्च में आयोग नई बिजली की दरों की घोषणा कर देगी। बता दें कि प्रदेश में नई बिजली की दर 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। बिजली कंपनियों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में अब आम लोगों से राय ली जाएगी। इसमें नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर लोगों की राय ली जाएगी। प्रदेश में सबसे पहले जन सुनवाई कैमूर यानी कि भभुआ में होगा। कैमूर जिला समाहरणालय में 13 जनवरी 2022 को आम लोगों की राय सुनी जाएगी। इधर 21 जनवरी को पूर्णिया जिला समाहरणालय तो वहीं पे 28 जनवरी को बेतिया समाहरणालय में आम लोगों की राय सुनी जाएगी। इधर 3 फरवरी को भागलपुर जिला समाहरणालय परिसर में आम लोगों की राय सुनी जाएगी। इस प्रस्ताव पर सबसे आखिरी में सुनवाई 11 फरवरी को पटना में विनियामक आयोग के सभागार में लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी बिजली कंपनियों के द्वारा बिजली के दरों को लेकर प्रस्ताव भेजा जाता रहा है। वर्तमान में जिस प्रस्ताव को लेकर बात हो रहा है वह है उसी परंपरा के तहत है, यानी कि ट्रांसमीटर कंपनी की ओर से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अलग अलग याचिका दायर की है। जबकि घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग याचिका दायर की है। कंपनी ने घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के फिक्स चार्ज में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में इस बार जो प्रस्ताव कंपनी की तरफ से सरकार को दिया गया है उसमें कई तरह के बदलाव हैं, जैसे कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब में 3 के बदले 2 कर दिया गया है। इसमें 0 से लेकर 100 यूनिट तक पहला स्लैब बनाया गया है, जबकि दूसरा स्लैब 101 यूनिट से अधिक का होगा। इधर कंपनी के औद्योगिक कनेक्शन के लिए भी कंपनी की तरफ से नए स्लैब कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से बिजली बिल के लिए किए गए बदलाव को लेकर यह कहा गया है कि छोटी कंपनियाँ LTIS तो वहीं पे बड़े उद्योग जो हैं STS के तहत होंगे। तो एक तरह से कह लें कि अब जो है कंपनियों की तरफ से जो बिजली की बढ़ोतरी की बात कही गई है, हालांकि इसमें जो वृद्धि की बात कही गई उसमें कहा गया है कि 10% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि सरकार ने जो है लोगों से राय मांगी है, इस राय के बारे में हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताया है। तो ऐसे में अब देखना है कि लोगों की तरफ से कितनी क्या राय आती है और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो पाती है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।